हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो मैं ना यूजुअली व्लॉग करती नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी एकदम एस्थेटिक वाले व्लॉग, बट यार किसी की जिंदगी एस्थेटिक ही नहीं होती तो फिर व्लॉग क्या एस्थेटिक होंगे। ओके, सो आज है मंडे एंड मम्मा को मंदिर जाना है, आई हैव टू गो कॉलेज एंड कोचिंग एंड काफ़ी सारे काम है, फिर अच्छा खासा हेक्टिक डे। सो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू गाइस एवरीथिंग हाउ माय अ नॉर्मल डे लुक्स लाइक। सो या अभी तो जस्ट मैं सो के उठी हूँ एंड इट्स 7:15, लाइक 7:15 के समथिंग हो रहे हैं। तो अभी जस्ट क्विकली रेडी वेडी होंगे सो तो कुछ शेयर करूँगी मैं आपके साथ। सो ऑलरेडी गाइस, मैंने लंच लगा दिया है, नाउ ये बंदर जा रहा है स्कूल एंड मैं जा रही हूँ नहाने। ऑल रेडी गाइज, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, अब मेरी बढ़ रही है डांट जस्ट बिकॉज लेट हो गए हैं, मुझे कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी जाना है। सो नाउ जस्ट लेट्स क्विकली डू थोड़ा सा स्किन केयर। सो जिन रिक्शे वाले भैया को मम्मा ने बुलाया था वो आ गए, मैं रेडी हुई हूँ, लिटरली आज डांट पड़ेगी। ये भी एक उन रीजनों में से है कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं इतनी जल्दी रेडी नहीं हो पाती हूँ जितनी जल्दी लाइक और चीज़ें होनी होती हैं, एंड देन मेरी डांट पड़ती है, फिर मैं ना इरिटेट होके, और ये जो पीछे से शोर आ रहा है ये भी एक रीज़न है, फिर मैं इरिटेट होके मेरा ब्लॉग एकदम बंद कर देती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी आ रहे, ये भी रीजन है कि मतलब मैं इरिटेट होकर फिर मेरा ब्लॉग बंद कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं बना पाऊंगी, एंड मैं हाफ ब्लॉग बनाती हूँ एंड देन मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, फिर मुझे रिग्रेट होता है। एंड एंड मैंने सोचा है कुछ भी हो लाइक बैकग्राउंड में कोई भी ना नॉइज वगैरह कुछ भी आए बट मैं अपलोड करूंगी ब्लॉग। ऑलरेडी यू गाइस, आई एम ऑलरेडी एंड दिस वॉज माई लुक, मतलब यही होता है, स्किन केयर एंड जस्ट अ लिपस्टिक एंड दैट्स इट। ऑल्सो मैंने और मम्मा ने आज ट्रेनिंग करी है, लेट मी शो यू मम्मी आउर। मैंने और मम्मा ने आज ट्यूनिंग करी है, पहले मैंने सोचा था मैं कुछ और पहनूंगी बट आई थॉट कि बहुत टाइम से था हम लोगों को कि हम ये वाला लाइक सेम कलर पहनेंगे, दैट्स व्हाई मैंने मम्मा ने ट्यूनिंग कर ली। आई डोंट नो, बहुत जल्दी जल्दी चलता है नहीं तो अब बहुत डांट पड़ेगी। मंदिर पर कुछ ज्यादा शूट वूट नहीं किया, एक तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, ऑल्सो आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल से मंदिर में आप पूजा करने गए हो कैसे बनता है ब्लॉग का, बट हाँ थोड़ी बहुत क्लिप ली है मैंने, वो मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगी। ऑल्सो अभी मैं हाफ एन आवर के बाद लाइक नाश्ता वास्ता करके मैं जाऊंगी कॉलेज। सो या ओके, सो हियर इज माय ब्रेकफास्ट एंड आई एम वॉचिंग के ड्रामा, तो मैं के ड्रामा देखते देखते मैं नाश्ता करने वाली हूँ एंड देन कॉलेज चली जाऊंगी। सो या आई एम वॉचिंग दिस के ड्रामा किंग द लैंड। I'm done with my breakfast and all now. I'm going for my college. Let me show you my full outfit. So, you guys, so this is my outfit. I know पूरा नहीं दिख रहा होगा, but जितना भी दिख रहा है ये ही है. Now I'm going for my college. सो इट इज अ नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एंड आई डिडंट शूट एनीथिंग यस्टरडे। ऑल्सो मैं ना कॉलेज भी गई थी, कोचिंग गई थी, सच बताऊं मैंने ना अभी रिसेंटली मैं कोचिंग ज्वाइन करी है, दैट्स वाई थोड़ा सा ना अजीब लगता है ऐसे कोच में कुछ भी शूट वूट करना, मैं ना बिल्कुल फोन नहीं उठाती हूँ कोचिंग में, जस्ट बिकॉज आप कुछ नया नया करो, एकदम टीचर्स नए नए होते, सब कुछ नया होता तो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो जाता है, दैट्स वाई। सो आई डिडंट शूट एनीथिंग ऐसा कोचिंग में कुछ भी, बट आफ्टर दैट मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, लिटरली मैं बहुत थक गई थी क्योंकि कॉलेज होता है आफ्टर कॉलेज 4 घंटे की कोचिंग होती है, मैं बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो चुकी हूँ, उस वजह से मैं घर आकर एकदम सो जाती हूँ। आई हैव टू क्लीन माई रूम क्योंकि मैं अभी बीमार गई थी 15 दिन से, बिल्कुल रूम में मैं गई नहीं हूँ मेरे, तो मुझे पूरा वो क्लीन करना है, सब कुछ कपड़े वगैरह सही करने हैं। ऑल्सो लाइक मुझे मेरी आईब्रोज भी बनवानी है क्योंकि 15-20 दिन हो गए लिटरली मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मैं कुछ वीडियो शूट भी नहीं कर रही हूँ एंड आजकल ना हेक्टिक डे जाता है, लाइक शुरू होते ही खत्म हो जाता, पता भी नहीं चलता कब मेरा दिन शुरू हुआ एंड कब खत्म हो गया, दैट्स अभी बहुत कुछ है करने को। सो या आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क क्योंकि मुझे काफी सारी वीडियो शूट करनी है, पेंडिंग पड़ी हुई है एंड मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सो या लेट्स सी क्या कैसे होता है, मैं सब कुछ आपके साथ ही करने वाली हूँ। सो या
ऑलरेडी यू गाइस, अभी आई जस्ट क्लीन माय बेड एंड जो साइड में मेरा स्टूल रखा रहता है वो, बट अभी आई हैव टू क्लीन अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक आई हैव टू क्लीन माय दिस मेकअप वैनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि इट्स बिन 15 डेज आई डिडंट शूट एनीथिंग, तो मैंने मेकअप वेकअप कुछ निकाला ही नहीं है, तो लाइक वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा। ऑल्सो आई हैव टू क्लीन ऑल दिस मैस, जो कि मैंने सारे कपड़े बेड से उठा के यहाँ पटक दिए थे, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, लाइक मेरे को बहुत सारे हॉल शूट करने हैं एंड मैं बीमार पड़ गई, तो मैंने वो सब नहीं किया, तो मेरे सारे कपड़े लाइक मेरे बेड पर पड़े हुए थे, मैं 15 दिनों से मेरे कमरे में ही नहीं आई हूँ, सो मैंने सब कुछ वहाँ से उठा के लाइक लिटरली यहाँ पटक दिया, तो मेरे को ये सब कुछ ऐसे भरी भरी करने हैं कपड़े, एंड लाइक अभी मैंने मेरा बेड संभाल लिया, तो अभी आई फील थोड़ा सा गुड। इसका अभी कंफर्म नहीं है कि मैं अभी करूँगी, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं, मे बी मैं ये करूँ, लाइक ऑफकोर्स मैं आपका शेयर करूँगी इफ मैं करती हूँ तो। सो या, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू माई बेड ऑन ऑल, जो मैंने लाइक ऐसे ठीक भी कर। ऑलरेडी यू गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैं कॉलेज से वापस आ गई हूँ। ऑल्सो आज मैं कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं जा रही, और मैं ना कुछ एकदम नया सेट लेके आई हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए। अब इतनी बड़ी के ड्रामा की फैन होकर मैंने आज तक रामेन ट्राई नहीं करी थी, और ऐसा कैसे हो सकता कि मैं ट्राई ना करूँ, तो मैं ये रामेन लेके आई हूँ एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ऑल्सो मैं ना ऐसी सिटी में रहती हूँ, लाइक यहाँ पे इतनी जल्दी कोई भी कोरियन स्नैक नहीं मिलता है, तो मुझे जो मिला ना मैं वो लेके आई। ये लाइक कोई निस्सन ब्रांड की है, मुझे नहीं पता कि लाइक ये ब्रांड फेमस है या फिर नहीं है, बट मुझे ये दिखी तो मैं ये लेकर आई। एंड ऑल्सो इट्स अ बैच, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे कोरियन स्नैक एकदम वेजिटेरियन ढूंढना, एकदम प्योर वेज ढूंढना। सो यार लेट्स ट्राई इट आउट, ये कैसी लगती है मुझे कैसी नहीं, सो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू गाइज कि मैं हाँ मुझे कैसी लगी कैसी नहीं। सो यार ऑलरेडी यू गाइज, आई डोंट नो कि ये कैसे बनेगी कैसे नहीं, और हम किसी की भी रेसिपी फॉलो नहीं करने वाले हैं, इसमें ही कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं पीछे, हम वैसे ही बनाएंगे, ना हम खुद का दिमाग लगाएंगे और ना हम किसी की रेसिपी फॉलो करेंगे, बस हम यहाँ जो पीछे डायरेक्शन दिए गए हैं उसी का दिमाग लगाएंगे। सो यार वेलकम टू कुक विद चित्रा, आ जाओ। मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया, जब तक वो खोल रहा है लेट मी शो यू लाइक दिस इज हाउ द रामेन लुक्स लाइक। मैंने ना एक दो लोगों की वीडियोस देखे, तो मैंने उसमें देखा कि वो गोल गोल होती है, बट इसमें मेरे को कुछ ऐसी मिली है। ऑल्सो इसके अंदर आपको ये मसाले के पाउचेस मिल जाएंगे, लाइक जैसे मैगी में मिलते हैं एग्जैक्ट वैसा, एंड इसमें ना एग्जैक्ट वैसे ही बनाने को लिखा हुआ है। सो अभी मैं ना ये दो बना रही हूँ, क्योंकि मैं मेरा भाई दोनों खाएंगे, दैट्स व्हाई। सो या रेडी, ऑल्सो मेरी कोल्ड ड्रिंक की सारी बर्फ उसी में मेल्ट हो गई है ये वीडियो के चक्कर। सो मैं बहुत क्विकली से इसको टेस्ट करती हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि मुझे कैसी लगी कैसी नहीं। बनी तो ये बिल्कुल सिंपल जैसे मैगी बनती है वैसे ही है। ऑनेस्ट ओपिनियन इज कि कुछ बहुत ज्यादा खास तो मुझे लगी नहीं। अब आई डोंट नो, हो सकता है कि मैंने ऐसे कोई रेंडमली उठा ली, और आई मीन इट्स नॉट लाइक जो नहीं एकदम एक सिमिलर ऑथेंटिक टेस्ट देती हो, आई थिंक मैंने वो नहीं पिक किया, बट सच बताऊं तो ये मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इट जस्ट अ नॉर्मल नूडल्स, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, लाइक इट्स जस्ट लाइक अ मैगी एंड दैट्स इट, बट मैगी टेस्ट बेटर देन दिस। मेरे भाई का जो ओपिनियन वो ये है कि बताओ
नॉर्मल मैगी है, बस जैसे मोमोज वाली चटनी होती है, बस उसमें ये डिप करके बना दी गई है ऐसा लग रहा है। लेकिन मैगी से तो अच्छी ही है मुझे लगता है। ऑल रेडी यू गाइस, मेरे भाई को तो ये मैगी से थोड़ी बेटर लगी, बट मेरा ओपिनियन ये है कि मैगी काफी ज्यादा बेटर लगती है, बट आई डिडंट लाइक दैट मच। मैं क्या इस सेम ब्रांड के रहा मैं दोबारा ट्राई करूंगी, तो बिग नो फ्रॉम माई साइड। ओके, ऑल्सो ये ना बिल्कुल भी स्पाइसी है ही नहीं, जैसे लोग कहते हैं ना कि रामन बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी। मेरा भाई तो कह रहा है रामन ही नहीं लग रही है। ऑल्सो यू गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे कौन से ब्रांड की ट्राई करनी चाहिए जो मुझे काफी ऑथेंटिक और सिमिलर टेस्ट मिले, जैसे एक्चुअल में रामन का होता है, तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है लाइक सच में। ऑल रेडी यू गाइज, सो आई फॉरगेट टू एंड दिस व्लॉग, अभी मैं एडिट कर रही थी, देन आई रियलाइज कि यार मैंने इसको लाइक एंड ही नहीं किया है। और जो थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, लाइक जुलाई के एंड का है, आई नो थोड़ा सा लेट है, बट कुछ इश्यूज चल रहे थे, मैंने दैट्स व्हाई इसको एडिट नहीं कर पाया, बट आई थिंक इट्स ओके। ऑल्सो इफ यू गाइज लव दिस वीडियो, लव दिस ब्लॉग, देन यू नो वॉट टू डू, येस डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू ऑल द गुड थिंग्स दैट यू कैन। ऑल्सो प्लीज यू गाइज टू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन विच टाइप ऑफ कॉन्टेंट यू वॉन्ट, मैं फॉर श्योर बनाऊंगी आपके लिए। ऑल्सो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड या ओके बाई।